Hello dear friends, you are most welcome. Today we will discuss 23rd December 2019 news. तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी के और एसटीटीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है. तो आज हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो द हिंदू के पेज नंबर 12 पे न्यूज़ में आया है. सेकेंड आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द हिंदू के पेज नंबर 10 से हमने ये टॉपिक लिया है. थर्ड जो टॉपिक है WTO को हमने अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में आज डिस्कशन करेंगे. थर्ड टॉपिक आज हमारा रहेगा FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड जो NCLT और MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. तो इन तीनों टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा आज डिस्कशन कर लेंगे. फिफ्थ नंबर का टॉपिक हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये दैनिक जागरण के पेज नंबर 9 से हमने टॉपिक लिया है. सिक्स नंबर का टॉपिक हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, द हिंदू के पेज नंबर 12 से ये टॉपिक लिया है. सेवन्थ जो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर, दैनिक जागरण के जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें फिजिकल डेफिसिट है, चाबहार बंदरगाह है, COP25 जो 2019 में आया था, COP21 पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया है. इनके बारे में COP21 जो था पेरिस एग्रीमेंट, इस पर हमने जस्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसी के अंदर हमने तीन क्वेश्चंस देखे थे कि 2016 में UPSC कैसे इससे तीन क्वेश्चन पूछा था. इसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, छह क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए इन टॉपिक से रिलेटेड. तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हमारा आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1969 में इसको बनाया गया. 57 मेंबर्स इसके हैं जिसमें से 53 मेंबर मुस्लिम मेजोरिटी है. इनका मेन काम क्या है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी या मुस्लिम वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड में जो मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है देशों में, उनके जो भी इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना इनका मेन मकसद है, साथ में इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना. इसमें से 56 मेंबर स्टेट जो है वो यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर हैं. एक्सेप्शन क्या है, पैलेस्टीन. तो फिलिस्तीन जो है इसका मेंबर नहीं, यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है. इसमें मेंबर स्टेट कहाँ कहाँ से है, अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से एक है अल्बानिया, साउथ अमेरिका से एक है गुयाना और सूरीनाम. इसका परमानेंट सेक्रेटरी कहाँ है, जिद्दा सऊदी अरेबिया में. स्थापना का कारण क्या था इसका, क्रिमिनल अर्जन ऑफ अल अस्का मॉस्क्यू इन ऑक्यूपाइड जेरूसलम. जेरूसलम में एक अल अस्का अक्सा मॉस्क्यू था मस्जिद, वहाँ पर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई थी जिसके कारण सारा मुस्लिम वर्ल्ड एक जगह होकर इसकी स्थापना के लिए राजी हुआ. इसके 8 प्रायोरिटी एरियाज हैं. जो प्रायोरिटी एरिया है उसमें से 107 गोल डिसाइड किए गए हैं. अब इसमें कौन कौन से एरिया है, पीस सिक्योरिटी पॉवर्टी एलिवेशन कल्चर एंड इंटरफेथ हारमोनी काउंटर टेररिज्म एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस साइंस टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज ह्यूमन राइट गुड गवर्नेंस एंड जॉइंट इस्लामिक ह्यूमैनिटेरियन एक्शन. तो ऐसा नहीं है कि केवल ये मुस्लिम वर्ल्ड के लिए काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी काम है जो वर्ल्ड में पीस स्टेबलाइज करने के लिए काम आते हैं उनके लिए भी काम करते हैं. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है. सेकेंड टॉपिक हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इसका वर्क क्या है, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस. 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई मराकेश एग्रीमेंट के द्वारा. 123 देशों के द्वारा 15 अप्रैल 1994 में इसके ऊपर साइन किया गया. और इसने किसको रिप्लेस किया है, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. इसका पर्पज क्या था कि जो ट्रेड पर टैरिफ लगते हैं, बहुत सारे आयात शुल्क लगते हैं देशों द्वारा जिससे ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड. हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड. मेंबरशिप क्या है इसका, इसके 164 मेंबर स्टेट्स हैं. अब इसमें एक बाली पैकेज बहुत फेमस है जो क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट जो आया था 99th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO बाली इंडोनेशिया में जो 3-7 दिसंबर 2013 में आया. एम क्या था इसका, लोअरिंग ग्लोबल ट्रेड बैरियर. ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इसका एम क्या था, टू रिड्यूस रेड टेप एंड स्ट्रीमलाइन कस्टम्स. जनरली क्या होता है कि जब भी कोई देश निर्यात करता है तो जिस देश में उसको आयात होना रहता है किसी सामान को, तो वहाँ पर
इतने सारे बड़े बैरियर्स लगा दिए जाते हैं ताकि कम से कम आयात हो सके उस देश में, तो उसके कारण दूसरे देशों को प्रॉब्लम होती है। जैसे इसी बोलते हैं संरक्षणवादी प्रोटेक्शनिज्म। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट फैसिलिटी, ये क्या है? लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को सपोर्ट करता है इन बिल्डिंग ए कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट दी चेंजेज यूजिंग फंडिंग फ्रॉम TFAF। मीन्स जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं उनको उनका व्यापार बढ़ाने के लिए ये फैसिलिटी काम आती है। थोड़ा थोड़ा सा इसको याद रखना। WTO में एग्रीमेंट्स कौन से हैं? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें डोमेस्टिक सपोर्ट, मार्केट एक्सेस एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ IPR, तो इसमें उरुग्वे राउंड के द्वारा जो गेट को प्रतिस्थापित किया था 1994 में, उसी उरुग्वे राउंड में ये आया। एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये भी उरुग्वे राउंड में आया। WTO सेट्स कॉन्स्टेंट्स ऑन मेंबर पॉलिसीज रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ। इसमें बैक्टीरियल कंटामिनेंट, पेस्टिसाइड इंस्पेक्शन, लेबलिंग, इनसे संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई देश अगर इनका आधारों पर बैन लगाता है तो इसको चेक करता है WTO। इसके लिए एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर ऑन ट्रेड, ये भी उरुग्वे राउंड में आया। अब यहां पर एन एग्रीमेंट एज द गेट साइंड बाय 223 कंट्रीज इन जेनेवा इन 1947 केम इन टू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1948 विथ फॉलोइंग पर्पज। अब गेट क्यों आया था? टू फेज आउट द यूज ऑफ इम्पोर्ट क्वाटाज, कि पर्टिकुलर देश में ये फिक्स कर दिया जाता है कि कितनी वस्तुएं हम आयात कर सकते हैं दूसरे देश से। इसको बोलते हैं इम्पोर्ट कोटा। जैसे हमने किसी देश से फिक्स कर लिया कि हम वहां से केवल इतना टन गेहूं आयात कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर चाइना अगर है तो चाइना केवल इतना हमारे यहाँ माल बेच सकता है, तो इसे बोलते हैं इम्पोर्ट कोटा। इसको हटाना। टू रिड्यूस टेरिफ्स ऑन मर्केंडाइज ट्रेड, ट्रेड में जो टेरिफ जो आयात शुल्क थी वो बहुत ज़्यादा रहती थी, उनको कम करना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। द उरुग्वे राउंड कंडक्टेड फ्रॉम 1987 टू 1994 कल्मिनेटेड इन द मराकेश एग्रीमेंट विच स्टेबलाइज द WTO। थर्ड इसमें है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन 1989, इनिशिएटिव था G7 कंट्रीज का। 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग एंड 2001 में टेरर फाइनेंसिंग दोनों को मिलाकर इसमें काम किया जा रहा है। FATF जो सेक्रेटरीट है सचिवालय, OECD के हेडक्वार्टर में इसका, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 39 इसके मेंबर हैं। FATF में दो लिस्ट रहती है, एक FATF ब्लैक लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट। इनके आधार पर जो भी देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग करता है उनके ऊपर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, और पाकिस्तान के कारण ये क्या है न्यूज में। टॉपिक्स ऑलरेडी कवर NCLAT, NCLT एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो हमको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है 6 सदस्यीय मेंबर होते हैं इसमें, और इसमें जो RBI का गवर्नर रहता है, इसका चेयरमैन रहता है, ये रेपो रेट उसका निर्धारण करती है। NCLT ये कंपनी के जो मामले रहते हैं उनसे संबंधित, अगर रिजोल्यूशन प्रोसेस, अगर उसकी संपत्ति को बेचना रहे तो पहले NCLT से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर बैंक किसी कंपनी की संपत्तियों को बेचवाना चाहता है तो ये NCLT में अपील दायर कर सकता है। अगर NCLT की अपील से कोई भी दूसरी कंपनी सहमत नहीं है अपनी संपत्तियां बेचने के लिए तो NCLT में अपील कर सकता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये दैनिक जागरण के पेज नंबर 9 पे, ये जर्मन वॉच जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें 14 इंडिकेटर्स एंड 4 कैटेगरीज में, जिसमें ग्रीन हाउस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी, इन 4 आधारों पर इसको बनाया जाता है। और इस 2019 में इंडिया की रैंक कितनी है? 9th। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है और इंडिया की रैंक क्या रही। 6 नंबर का टॉपिक हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एक हमने FDI सुना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें विदेशी निवेशक जो रहते हैं किसी राष्ट्र में निवेश करते हैं, और निवेशित संस्था जो रहती है उसमें नियंत्रणकारी शक्ति उनको नहीं मिलती है। जो निवेश किया जाता है वो दीर्घकालिक आर्थिक हित से नहीं जुड़ा रहता है, वो केवल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो प्रॉफिट रहता है उसको कमाकर यहाँ से चले जाते हैं। किस में निवेश कर सकते हैं? इक्विटी, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल एंड डिबेंचर में।
नेचर क्या है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण इनका नहीं होता है, ये वोलेटाइल नेचर का रहता है कि जल्दी यहाँ से जैसे ही प्रॉफिट खत्म हुआ ये अपना इन्वेस्टमेंट जो किया है उनको वापस लेके अपने देश में चले जाते हैं। अल्पकालीन हानि और लाभ के लिए काम करते हैं, रिवर्सिबल है एंड फेयर वेदर फ्रेंड इनको बोलते हैं कि अगर देश में लाभ हो रहा है इनको किसी देश में जहाँ निवेश किए तब तो उस रहेंगे इनका पैसा, अदरवाइज अपने पैसे को निकाल कर वापस अपने देश ले जाते हैं या किसी अन्य देश में जहाँ पर इनको लाभ होता है वहाँ लगाएंगे। अनस्टेबल नेचर का ये होता है। टॉपिक्स ऑलरेडी कवर, फिजिकल डेफिसिट ये हमने ऑलरेडी देख चुका है कि फिजिकल डेफिसिट में क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू रहती है पब्लिक रेवेन्यू से। चाहबार बंदरगाह हम ईरान में बना रहे हैं, जो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान का, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को के लिए बना हुआ है उसी के अगेंस्ट हम चाहबार डेवलप कर रहे हैं कहाँ, ईरान में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप 25 चाहबार पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार यूपीएससी में। कोप 25 ये मैड्रिड स्पेन में हाल ही में हुई थी। कोप 21 जो थी ये पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है जो 2015 में हुई थी। यहाँ से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड जो 100 बिलियन डॉलर का बना था वो तीन यहां से मेन प्रमुख रिजल्ट्स निकल कर आए थे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। यहां पर WTO आज हमारा मेन टॉपिक था, तो इसमें WTO से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन लगभग एक या दो UPSC में पूछता है। एक बार WTO के लिए क्या पूछा, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स किस से रिलेटेड है, ये शब्द किससे रिलेटेड है, तो हमको पता है कि ये सब्सिडी मामला है और सब्सिडी से रिलेटेड जो वर्ड है वो किससे संबंधित है, WTO। सेकेंड जो टॉपिक है विवादों को सुलझाने के संदर्भ में एक बिंदु जो प्रयुक्त होता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में, WTO निम्नलिखित में किसके साथ सहयोग करता है, तो जितना भी फूड सिक्योरिटी से संबंधित मामले रहते हैं हमने देखा था सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, उसमें WTO किसके साथ सहयोग करता है, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूजर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वर्ल्ड स्टैंडर्ड कोऑपरेशन, इसके अलावा एक है कोडेक्स एलिमेटेरियस कमीशन, तो यही है कोडेक्स जो है ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड एक कमीशन है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर ए। सैम वही क्वेश्चन है जो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है। इंडिया एनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसमें ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन, ये जो GI टैग है वो किससे संबंधित है, हमको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, UNCTAD, WTO, तो GI जो है वो किससे संबंधित है, WTO। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म ये किस लिए होता है कि पर्टिकुलर कोई गरीब देश है वहाँ पर आयात किसी वस्तु का इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि उसके किसानों को क्या नुकसान हो, तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म WTO के द्वारा स्थापित किया गया एक प्रोग्राम है, एक क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, WTO। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर ये 12 सदस्यीय निकाय है, इसमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये 12 सदस्यीय निकाय नहीं, हम जानते हैं 6 सदस्यीय निकाय है और केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, ये भी गलत है। हमको पता है कि RBI का गवर्नर इसका चेयरमैन रहता है, तो अगर हम देखें कि थर्ड यहाँ पर B, D और C तीनों में है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली 1। RBI की बेंचमार्क दरों का निर्धारण, मीन्स बेंचमार्क दर का मतलब रहता है जो रेपो रेट RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है उसी को उसकी बेंचमार्क दर कहते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो कोई भी इश्यूज जो गवर्नमेंट की द्वारा या तो सोल्व नहीं किया जा रहा या गवर्नमेंट किसी इश्यू पर एम्फसिस कर रही है, फोकस कर रही है, उसी से रिलेटेड UPSC जनरली क्वेश्चन पूछता है, चाहे प्री हो या मेंस हो, और इंटरव्यू में भी कोई भी मुद्दा रहता है, जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है या कोई भी अमेंडमेंट हुआ है किसी को लेके, चाहे NRC हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज वाला एक्ट हो, इनसे रिलेटेड जब भी कहीं अमेंडमेंट होगा या फिर कोई प्रोटेस्ट होगी किसी मुद्दे को लेके, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यू डिस्कशन। थैंक यू।